क्या मैं इसी प्रकार विषाद बनकर भटकने पर विवश हूँ? क्या मुझे इस योनि से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? नहीं, तुम्हें काशी में पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होगी। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? अनुज, अब हम एक बहुत ही विशेष और पवित्र स्थली पर जा रहे हैं और उस स्थान का नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रणाम पिताश्री। तुम्हें ज्ञात है अनुज, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक अति विशेष और दिव्य ज्योतिर्लिंग है। भैया, पिताश्री के तो सभी शिवलिंग पवित्र और दिव्य हैं, किंतु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उन सभी में भी विशेष क्यों है? गणेश, काशी नगरी के 5 कोस का विस्तार ही तो इस शिवलिंग का भाग है। जैसे काशी नगरी की उत्पत्ति की एक कथा है, वैसे ही विश्वनाथ मंदिर में स्थित इस शिवलिंग की भी एक विशेष कथा है। कैसी कथा भैया? वो कथा हमें भी सुनाइए ना। आपने तो कहा था काशी पहुँचते ही शीघ्र अति शीघ्र इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, वो क्षण कब आएगा? कब आएगा? मैं तो अभी भी इस भयानक दशा से मुक्त होने की प्रतीक्षा में हूँ। प्रभु ज्ञानारी जी, हम पवित्र काशी नगरी में आए हैं तो उसकी महिमा समझे बिना आपको कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? अच्छा, तो शीघ्र शीघ्र सुनाइए वो कथा। प्रभु शीघ्र सुनाइए। विवाह के उपरांत पिताश्री माँ को लेकर कैलाश आ गए। माता कैलाश में एकमात्र नारी थी और पिताश्री सदा ध्यान में रहते थे, इसीलिए माँ उदास हो जाती थी। और फिर एक दिवस स्वामी। क्या हुआ उमा? स्वामी, कैलाश तो हिमालय पर ही बसा हुआ है, इस नाते तो वो मेरे मायके का ही भाग हुआ। स्वामी, हम कहीं और जाकर निवास नहीं कर सकते? किसी ऐसे स्थान पर जहां उत्साह का वातावरण हो। उचित है उमा, मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उमा, ये है काशी, मेरी सबसे अधिक प्रिय नगरी। स्वामी, ये नगरी तो मुझे भी भा गई, मन करता है यहीं स्थित हो जाऊं। हाँ प्रिय। प्रणाम महादेव। महादेव, यदि आप और देवी पार्वती दोनों काशी में वास करेंगे तो हम सभी देवता भी यहीं स्थित रहेंगे। सत्य है, इस नगरी से अधिक पावन स्थान तो समस्त संसार में कहीं भी नहीं। मुझे इतना क्यों प्रिय है, इसलिए मैंने मन बना लिया है आज से अब मैं यहीं पर निवास करूंगा, जिसे विश्वनाथ के नाम से जाना जाएगा और ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक मान्यता रखेगा। और ये पंचकोशी काशी मेरी ही शिवलिंग का भाग होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण काशी को ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। 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 स्वामी, और मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं भी यहां आपके निकट ही स्थित रहूंगी।
शिवलिंग के रूप में साक्षात पिताश्री अर्थात जगत पिता परमेश्वर महादेव है। हाँ गणेश, पिताश्री के ज्योतिर्लिंग के शुभ दर्शन कर, उनका जलाभिषेक कर, उनका स्मरण और उनकी पूजा करते हैं। शीघ्र शीघ्र जाइए आप दोनों। हाँ हाँ, उसके पश्चात अवश्य मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ जाइए जाइए जाइए। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमारा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। कितना समय लग रहा गणेश जी को और कुमार कार्तिकेय को? पिताश्री वो देखिए, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव लौट रहे हैं। प्रभु प्रभु, हो गई आपकी पूजा संपन्न, अब तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी ना? है ना, है ना, है ना प्रभु? अवश्य ज्ञानारी जी। चलिए प्रभु चलिए। भैया क्या आपने भी ये रुदन का स्वर सुना? हाँ गणेश। पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश यहाँ हैं। शीघ्र ही यहाँ मेरी उनसे भेंट होगी। वो अवश्य मेरे स्वामी को मेरे निकट लाने का उपाय ढूंढ ही लेंगी। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति देने का वचन आप भंग कर रहे हैं। मुझे मुक्ति दिलवाइए, अभी अभी दिलवाइए। हाँ प्रभु। जाओ पुत्रों, अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हारा वचन तो किसी भी बंधन से, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे दायित्व से भी कहीं सर्वोपरि। मैं दीर्घ काल से अपने स्वामी के सानिध्य से दूर रहने की अपार पीड़ा सह रही, जो अब मेरे लिए और भी असहनीय होती जा रही, कि तुम मैं तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन में बाधा कदापि नहीं बनूंगी। मैं मेरे स्वामी के लिए अधीरता से प्रतीक्षा करूंगी। ज्ञानारी जी, जो जीवन में जैसे कर्म करता है वो उसके वैसे ही फल भोगता है। आपने ईश्वर को नकारा, अधर्मपूर्ण आचरण किया, अन्य जीवों पर अत्याचार किए, इसलिए आज आप इस योनि में हैं। किंतु अब मैं और भैया आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। तो पुनः अपना धैर्य खोकर अपने लिए कठिनाई उत्पन्न मत कीजिए ना। हाँ ज्ञानहरि जी, धीरज रखिए तनिक, मैं और गणेश अवश्य आपकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। धीरज धरूं और कितना धीरज धरूं? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपने कहा काशी चलो, हम काशी आ गए। आपने कहा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेंगे। मैं धैर्य पूर्वक आपके द्वारा वो पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो अभी भी रह गया ना गुरु, भयंकर पिशाच। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्या मैं यही मान लूं कि मैं इसी प्रकार पिशाच बनकर भटकने पर विवश हूं? क्या मुझे इस योनि से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? हाँ?
नहीं। तुम्हें काशी में पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होगी। ऋषिवर क्या कह रहे हैं? क्या नारी जी पिशाच योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आप दोनों महादेव पुत्रों को मेरा नमन। मुझे यहां काशी के इस पावन तीर्थ में जिस अद्वितीय दिव्यता के उपस्थित होने का आभास हो रहा था, वो आप ही थे। आपके शुभ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। प्रणाम ऋषिवर। आप? मैं जगशव्य ऋषि हूं। महादेव का एक साधारण भक्त। मेरा नियम है, महादेव के दर्शन के बिना अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता हूं। ये सब तो ठीक है, किंतु आपने क्यों कहा कि मुझे काशी में मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? क्यों कहा आपने ऐसा? काशी नगरी तो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ जो जीव मरणासन्न अवस्था में पहुँचता है और जिसकी यहाँ मृत्यु हो जाती है, उसे स्वयं महादेव उसके कर्ण में तारक मंत्र का उच्चारण कर उसका उद्धार करते हैं, उसकी सदगति निश्चित करते हैं। किंतु मेरी मृत्यु तो काशी में नहीं हुई है, तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? मुझे 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 वो सदगति कैसे प्राप्त होगी? ऋषिवर, मैं और मेरा अनुज गणेश ही इस पिशाच को यहाँ लाए हैं, जिससे हम इसको इसकी इस अवस्था से मुक्ति दिला सके। तो कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इसकी सहायता करें। इसका एक ही उपाय है, इस पिशाच को इसकी इस अवस्था से मुक्ति तो एकमात्र माँ गंगा ही दे सकती है। हाँ भैया, ऋषिवर सर्वथा उचित कह रहे हैं। माँ गंगा तो मोक्ष दायिनी है, मोक्ष और मुक्ति की वो एक माध्यम है। बहुत समय पूर्व नंदी जी ने मुझे एक कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को सदगति पहुंचाने हेतु माँ गंगा का आवाहन किया था। अच्छा, तब तो हमें भी ये कथा सुननी चाहिए। कथा में समय व्यतीत करने के स्थान पर इसे अपने पिता की मुक्ति का उपाय नहीं पूछना चाहिए? ज्ञानारी जी, वत्स सुबोध का ये समझना कि उसके पिता को पिशाच योनि से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गंगा माता ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है, तो आप उनकी महिमा से परिचित नहीं होना चाहते? उचित उचित ही कहते हैं आप गणेश जी। कितनी कथाएं सुन चुका हूँ, तो कदाचित एक और कथा से मेरी मुक्ति में अधिक विलंब तो नहीं होगा, उचित है। एक समय की बात है, सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, राजा सगर, जिनके 60 सहस्त्र पुत्र थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ है जिसमें श्वेत अश्व को मुक्त होकर सर्वत्र विचरण करने दिया जाता है, और जिन क्षेत्रों में ये अश्व निर्बाध विचरण करता है, उस क्षेत्र के राजा यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाते हैं। और जब वो अश्व किसी अन्य राजा के द्वारा बिना बंदी बनाए लौट आए, तो अश्वमेध यज्ञ सफल माना जाता है। और जो भूपति 100 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है, वो देवराज के पद के योग्य बनकर उनके सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। तो जब देवराज इंद्र को राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ करने के अभिप्राय का ज्ञात हुआ, तो देवराज इंद्र ने
यज्ञ के अश्वों का हरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब राजा सगर को यज्ञ के अश्व की हरण की सूचना प्राप्त हुई तो बहुत व्यथित हुए, किंतु उनके अहंकारी पुत्रों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को छान कर यज्ञ के अश्व को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। और अंततः जब राजपुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला तो उन्होंने मान लिया कि मुनिवर ने ही अश्व का हरण किया और वो उन्हें दंडित करने के लिए आगे बढ़े। दुष्ट चौर कर्म किया है तुमने। किंतु सगर पुत्रों को यह ज्ञात नहीं था कि जिन कपिल मुनि का वो अपमान कर रहे थे वे तो स्वयं भगवान नारायण के ही समान तेजो में थे, स्वयं उनका ही अवतार थे। उनकी धृष्टता के दंड स्वरूप कपिल मुनि ने उन सभी सगर पुत्रों को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म कर दिया। राजा सगर दुख में डूबकर अपने पुत्रों की मुक्ति का उपाय करने लगे, किंतु न उन्हें और न ही उनके पौत्र राजा अंशुमन और उनके पुत्र राजा दिलीप को ही इस कार्य में सफलता मिली। और उनके 60,000 पुत्र उसी भांति जली राख बनकर स्थित रहे। किंतु फिर राजा सगर के पुत्र दिलीप के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया और उन्हें ज्ञात था कि माँ गंगा ही उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। और साथ ही उनके राज्य में भयंकर सूखा भी पड़ा। अपने पूर्वजों के साथ साथ राजा भागीरथ ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए माँ गंगा का घोर तप किया और अंततः माता ने उनके तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने का वरदान उन्हें दिया। पुत्र भागीरथ, प्रणाम माँ गंगे। पुत्र भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तब यदि मेरे वेग को ना रोका गया तो समस्त पृथ्वी मेरे प्रचंड जल प्रवाह में बहकर नष्ट हो जाएगी। माता, मैं तप करके आपके वेग को रोकने के लिए महादेव को मना लूंगा। प्रणाम माता। इसके पश्चात ऋषि भागीरथ महादेव के तप में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तुम धन्य हो वत्स भागीरथ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारी सहायता कर तो मैं स्वयं भी आनंदित हो जाऊंगा। देवी गंगा, मैं आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूं। निश्चिंत होकर नीचे आइए। जब माता गंगा महादेव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भागीरथ उन्हें अपने 60,000 पूर्वजों के अवशेषों की दिशा में ले गए। माँ गंगा के पावन जल के स्पर्श से राजा भागीरथ के पूर्वजों को सदगति प्राप्त हुई। इसलिए मोक्ष और मुक्ति प्रदान करती है माँ गंगा। आप सभी को इस पिशाच को माँ गंगा की जलधारा की ओर ले जाना चाहिए। जैसे ही माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लेगा वो इसे इसकी पिशाच योनि से अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगी। ऋषि, हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, अच्छा है, शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। मेरी सोनी से मुक्ति अब माँ गंगा के द्वारा ही संभव है। हाँ, शीघ्र शीघ्र के निकट चलिए। ज्ञानारी जी, आप चिंता ना करें, अब आप पिशाच योनि से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे।
एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। हमें धैर्य पूर्वक उसे समझ और जानकर ही अगला कदम उठाना चाहिए।